एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और आज का है हस्बैंड का ऑफ, तो आज गणेश जी को स्थापना किए हुए हमको हो चुके हैं 6 दिन। तो मैं शायद 9 दिन का विसर्जित करने जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। घर में है तो थोड़ी सी चहल पहल बनी रहती है, चहल पहल। और दूसरी बात, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगाने को मिलता है और थोड़ा मन भी अच्छा चल जाता है, घर में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आज भोग के लिए मैंने बनाए हैं दाल बाटी। तो बाटी यहाँ पे सिक चुकी है, दाल मेरी बन चुकी है, तो घी लगा के जल्दी से लगा देती हूँ भोग, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी बज चुकी है 11:30 और अभी तक भोग नहीं लगाया। हाँ, हाय हाय कर दो, हाय कर दो। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट जो कि मेरे पापा ने दिया था मुझे रक्षाबंधन पे, जब मैं घर गई थी उस टाइम पे। क्या दिया था वो मैं बताऊंगी आज आपको ब्लॉग में। हाँ, और आज हम कहीं जाने वाले हैं, वहाँ पे भी मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। मैंने बताया था ना गृह प्रवेश के लिए कार्ड आया था उस दिन। हाँ देती हूँ, गृह प्रवेश के लिए जो कार्ड आया था, आज उनके फंक्शन है साइड वाले घर में, यहीं पास में, तो हम लोग जाएंगे तो पक्का आप लोगों को लेके जाऊंगी। पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, भूख लग रही होगी उनको, तो जल्दी से घी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि भगवान जी को हम किस तरीके से आज पूजा करेंगे। ठीक है, फटाफट से मैं लगा दूंगी इनमें घी, और घी लगाने के बाद लगाना है भगवान जी का भोग। काफ़ी सारा लेट हो चुका है, लेट होता नहीं है वैसे, पर बच्चों के साथ आप समझ सकते हो आज हॉलीडे था तो थोड़ा सा लेट हो गया। हम भैया को या के पीछे हो गए, या के साथ क्या बोलते हैं ये जो डेकोरेशन वाले थर्माकोल का डिब्बा सो ना पड़ा वाला, उसके पीछे देखो। क्यों, क्या कर रहे हो, देख रहे हो? या साइड वाले प्लॉट में कर रहे होंगे। नेता नहीं आया आलिया का, क्यों नहीं आए हो बेटो? आवाज तो आती गाड़ी की, कछु की गाड़ी तो नहीं लाया, रोक तो। कौन सी मोटरसाइकिल की तो आता रही है, कर रहे कि नहीं कर रहे? बस पूछ रहा हूँ, देर तो आएंगे, अब ले आए तो कहीं कुछ रखेंगे भाई, ले आए तो कहीं कुछ रखेंगे, क्या फर्क पड़ा है बेटो 100-200 रुपया से? न बताओ, अपन ने जाने नहीं करे नहीं, फिर भी बने अपन को नो तो दियो पहली बात तो। यहाँ पे मेरा भोग हो चुका है तैयार, भगवान जी की पार्टियों में मैंने थोड़ा ज़्यादा घी लगाया, हम लोग तो कम ही खाते हैं, तो यहाँ पे भोग लगा देते हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं फटाफट से। नन्नू फिर रोना चालू हो गया आपका, पूजा करते टाइम निपट जाओगे? एक पैसा दो बेटो, येलो वालो, मैं रख दूंगी फिर बाद में। अभी खा जा रही है अदिति, पूजा करो जरा के, सब आ जाओ चलो। चलो अब
तो यहाँ पे जो हमारी पूजा थी वो हो चुकी है कंप्लीट। हम सब घर वाले पूजा कर रहे हैं, नन्नू टीवी देख रही है। नन्नू को हमेशा जब भी हम आरती करते हैं तो उसको ज़रूर से ज़रूर रोना होता है। और थोड़ी देर बाद में आपको लेके चलेंगे हम जहाँ से इनविटेशन आया था कल उनके घर पे, तो आज उनके यहाँ पे खाना है हमारा। बट हम लोग खाना तो नहीं खा के आएंगे, शायद घर पर ही आके खाएंगे क्योंकि दाल बाटी बन चुकी है ऑलरेडी। तो फिर सिर्फ जाके आना है उनके यहाँ पर। सच बताऊँ तो बड़ा अच्छा लगता है घर में जब छोटी मोटी पूजा होती है या कुछ भी काम होता है, तो ऐसा लगता है जैसे घर में थोड़ी सी रौनक लगी रहती है। और कुछ भी छोटा छोटा काम, वैसे तो फ्री रहते हैं अगर काम फ्री हो जाता है तो घर का, पर अभी पूजा जैसे कि ये चल रहा है, गणेश जी स्थापना चल रही है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बिजी रहते हैं तो अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। अभी हम लोग चल रही हैं भैया के घर जिनके यहाँ से इनविटेशन आया। अदिति के हाथ में है गिफ्ट जो कि हमको देख के आना है उनके यहाँ पे। इसमें एक गणेश जी की बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग है, बहुत प्यारी सी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर पर, आप लोग भी इन्जॉय करना और देखना उनका घर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। कम से कम 1 करोड़ का तो उन्होंने मकान ही मकान बनाया, प्लॉट अलग से लिया है। और मकान इतना बताऊँ क्या बताऊँ आप लोगों, आप खुद ही देख लीजिएगा, इतना अच्छा है। तो जो मिनिस्टर या फिर जो भी ये थे इनके घर का जो वो करने वाले थे, रिबन कट करने वाले थे, वो आ चुके हैं। और जो येलो कलर में जो है उनकी वाइफ है, और जिनका ये घर है वो उनके जस्ट पास में खड़ी हैं। रेड से कलर की साड़ी है, हल्की सी ऑरेंज रेड कलर की। तो बहुत ही प्यारे थे, दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा था। आपको बताना है कि उनके मकान में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके सारे सवालों के जवाब बहुत जल्दी देने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी नीचे का जो काम था वो टोटली फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं आपको उनका घर दिखाने के लिए, उनका घर कैसा है, बहुत ही प्यारा उनका घर था। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कलर नीचे किनको ज़्यादा अच्छा है? नूकी हुई है बराबर ही। ये था उनका फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन था वो था, और ये था टीवी, उनके हॉल वाला जो टीवी वाला पोर्शन होता है टीवी रखने का। बहुत प्यारा लगा मुझे, और सबसे प्यारा लगा मुझे ये, सबसे प्यारा लगा मुझे वास्तुकला का जो ये वाला एरिया है, क्योंकि ये हॉल में ही दिया हुआ था उन्होंने। बट बहुत अच्छी डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन जो थी वो बहुत प्यारी थी उसकी। और रसोई मुझे सबसे बेस्ट लगी इनकी, क्योंकि रसोई में आप देख सकते हो कितने सारे अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन वगैरह करवाया था। है ना, पर बढ़िया बनाया हो फिर भी, सब सब चीजें देख। आज मैं खड़ी हूँ अभी, चलो ठीक भाई। हाँ सिड्डी कैसी है देखो, हैं पानी के हिसाब से तो ये सारे आना। ये
ये था ऊपर ही ऊपर का जो सेकंड फ्लोर का जो एरिया था वो था जो कि मुझे सबसे प्यारा लगा। छत बहुत ही खुली खुली थी। जो सामने जो खिड़की दिख रही है वो है मेरा मकान, मतलब हम जिसमें रहते हैं वो वाला बेडरूम की खिड़की थी। ऊपर वाला पोर्शन देखिए आप लोग कितना प्यारा दिया उन्होंने। रसोई बहुत ही प्यारी थी इसकी। बस सामान रखने तो ये ठीक है, ऊपर भी छोटी होंगी शायद, थोड़ी बहुत कुंदी लग रही है शायद। चलो रसोई देखा, रसोई बहुत ही प्यारी थी। इसमें एक ही रूम था, अगर ज़्यादा होता तो हम लोग ले लेते। और अभी मिलते हैं आपसे शाम के टाइम पे और फिर जाएंगे हम लोग मार्केट। कॉफी पिलाओगे हैं? क्यों कॉफी पिलाओगे तो ही जाएंगे हम आपके साथ हैं? मत चलो ठीक है फिर बाय, आप ही जाओ अकेले। बताओ ना पिला दोगे क्या? उसी के साथ साथ हम लोग गए थे जो फर्नीचर वाली दुकान होती है उस पर, क्या लेने गए थे वो आपको बाकी के आएंगे जो ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हमको बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ लेनी थी जिसको लेने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे थे। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ए टू बी में कुछ खाने के लिए। यहाँ पर मुझे ये भाई देखे जिनके पास इतना मस्त वाला कैमरा था, स्टैंड तो बहुत ही प्यारा था उनका। ये भी कोई ब्लॉगर थे और ये कहीं बाहर से थे। हम लोग आए हैं अभी कॉफ़ी पीने के लिए और बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, उसके बाद जाएंगे बीच पे। कैसी है? पहली बार आपने कभी पी जब खा हो आपके संग पहली बार कभी पी जब खा हो बेटा? और अब तो बुक्कड़ खा ले। जब कॉफी पी गए करिए, जब कॉफी पूरी पी जब पते चले ये भैया यहाँ पे चल दिया हम लोगों की पार्टी। कोई भी अगर पौंडीचेरी घूमने आता है तो प्लीज़ इस शॉप पे जरूर आए। पूरी की पूरी वेज है, नॉन वेज यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और बहुत ही सब तरह की वैरायटी मिल जाती है इस पे। मतलब कोई भी ले सकते हो, छोले भटूरे, पानी पतासे, कॉफ़ी, चाय, टी, समोसा, कचौड़ी, कुछ भी एक्स वाई जेड और कोई भी स्वीट ले सकते हो आप इस शॉप से। तो अगर पौंडीचेरी कोई घूमने आता है तो प्लीज़ इस दुकान पर ज़रूर आना और इसकी जो सारी डिश है वो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत टेस्टी वाले यम्मी वाले डिशेज मिलती है इस दुकान पर। देखो बलून गए 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 देखो कितने का अंधेरा होगा, फिर फोन में कितना उजाला आ रहा है बेटू देखो हैं। आपको इले अड़के गए हो कते बेटू आपके मुंह से। एक और आगो अजय जी, पकड़ 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 खेल ले। सो रहे ना कि हम तो पते नहीं पार्टी का प्लान है जी फिर नहीं आया। लेकिन काम आपा नहीं क्या कर रही है लेडी है करके क्या कर रही है? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? योगा का वेट लॉस किया जा रहा है। इन्हों योगा कर रहा हूँ ये कौन सा योगा है बताना हैं? ये कौन सा योगा है दादा? एक्सरसाइज बोलो ना योगा क्यों बोल? इधर पेट कम किया जा रहा है, एक्सरसाइज करना है। अच्छा वाह, पेट 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 रोको रोको पापा की योगा, पापा की बात है कि एक्सरसाइज है। कौन सा वाला? अभी रुक जा, अभी उस पर कोई बैठा है वो कर ले गोल वाला। ज्यादा कम नहीं हो जाता तुम्हारा पेट? ज्यादा कम मत कर लिए दोनों पागल। ये क्या हो रहा है आदि? व्हाट आर यू डूइंग? वो अभी कर रहा है, उसको करने दो फिर उसके बाद में करेंगे।
लंच।